ओके, ये एक टॉपिक, आगे देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर बार आपके एनसीईआरटी बोर्ड में पूछा ही जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको मिलेंगे। फेयर शेल तो आते ही आते हैं, और शीट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, थिन शीट्स के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करो आपके पास इनफाइनाइट शीट, एक शीट है और साइज जिसका इनफाइनाइट है, मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन है कि ये आपके सामने कोई भी एक इनफाइनाइट शीट है, इसका साइज कुछ भी ले सकते हो, इनफाइनाइट बहुत बड़ी शीट है, और जिसके ऊपर ये चार्ज है और इसकी थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये थिन शीट है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसमें मुझे आर डिस्टेंस पे ई निकालना है, तो जहां ई निकालना है वहां गॉसियन सरफेस, तो आर डिस्टेंस ये भी हो सकता है और आर डिस्टेंस ये भी पॉइंट हो सकता है, तो मुझे ई निकालना है आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर या कुछ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, मुझे ई की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो रूल क्या है कि जहां पर ई निकालना है वहां क्या कंसिडर करें? गॉसियन सरफेस। तो मेरा एक आंसर दे, ये मान लो इनफाइनाइट शीट नहीं है, मान लो ये वो शीट है, चार्ज्ड है, चार्ज्ड है, थिन है। तो सपोज आर डिस्टेंस दूर अगर मुझे ई निकालना है वहां गॉसियन सरफेस, तो आर डिस्टेंस दूर यहां डीएस, 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 आर डिस्टेंस दूर यहां डीएस। तो जब मैं इन डीएस 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 को मिलाऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा? शीट बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इमेजिन करो एक और शीट यहीं पे खड़ी हुई है, बिकॉज सारे डीएस मिलेंगे, राइट? उसी तरीके से अगर मैं आर डिस्टेंस दूर यहां डीएस लू, यहां डीएस लू, यहां डीएस, यहां डीएस, डीएस डीएस, सारे डीएस इकट्ठे कर लिए, मिला दो, तो फिर से क्या बनेगी? एक शीट बनेगी। कोई डाउट इसमें? गॉस ने क्या कहा था कि अगर काम करना है जहां पर गॉस थ्योरम यूज करनी है वहां बॉडी को बंद करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आपने यहां एक शीट इमेजिन कर ली, यहां पर है कुछ नहीं, बस इमेजिन करना है, हवा में शीट तैयार कर ली, इसको ढक दो हर तरफ से, इधर से भी पैक कर दो, तो फिगर क्या बनेगी? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब इमेजिन करो कि जैसे ये वो केस है, तो कोई बात नहीं, क्यूब क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जैसे ये एक शीट के पैरेलल डीएस 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 की शीट, तो जब आप इसको ढक दोगे हर तरफ से इस तरीके से, तो अगेन क्या बनेगा इसमें? ये पूरे का पूरा एक एक क्लोज बॉडी बन गई, ऐसी यहां पे बनेगी, ऐसी यहां पे बनेगी, इमेजिन कर रहे हो? तो आप इसमें अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, तो ये एक्चुअल में यहां कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपको खुद एज्यूम करना है कि मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक क्लोज बॉडी कंसिडर की, ताकि मैं क्या अप्लाई कर सकूं? गॉस थ्योरम। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मान लो ये शीट रेक्टेंगल की बजाय सर्कल होती, तो यहां पर आर डिस्टेंस दूर मुझे जहां ई निकालना है वहां डीएस 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 कंसिडर करेंगे, और क्या बनेगा यहां पर? सर्कुलर शीट बनेगी, यहां पर भी सर्कुलर शीट बनेगी। तो अगर मैं इन सभी सर्कल के एंड टू एंड पॉइंट जोड़ूंगा तो क्या नजर आएगी? फिगर क्लोज्ड सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर, आप देख रहे होंगे यहां पर, देखो सिलेंडर्स बने हुए हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है, बस ये ऐसे अज्यूम किया जा रहा है कि यहां पर आर डिस्टेंस दूर ये इमेजिनरी सरफेस है, मतलब इसने एक पार्ट ऑफ शीट लिया सर्कल, तो आर डिस्टेंस दूर ये आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, इसको जब क्लोज किया तो इमेजिनरी सिलेंडर, जबकि रियलिटी में यहां पर कुछ भी नहीं है। क्लियर यहां तक? क्योंकि हमें क्या लगानी है? गॉस थ्योरम, और बॉडी हमें क्या चाहिए? क्लोज्ड। ऐसी कई फिगर आप देख पा रहे हो, ये शीट है चार्ज्ड, तो आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर दोनों तरफ लगाएगा, लाइंस यहां भी निकल रही हैं, लाइंस यहां भी निकल रही हैं परपेंडिकुलरली, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से लाइंस यहां निकल रही हैं। तो इसके अंदर जैसे ये इनफाइनाइट शीट है, पर आपको डायग्राम पेपर में ही बना के आना है, ये इजी डायग्राम है, ध्यान से देखना इसमें क्या किया। तो मान लो एक इनफाइनाइट शीट है, इजी बनाने के लिए मैंने इसका एक पोर्शन ले लिया बस, ठीक, और मैं प्रूव कर दूंगा कि आप ये पोर्शन से जो ई निकालोगे या इनफाइनाइट शीट से निकालोगे वो एरिया से इंडिपेंडेंट है। मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए ए एरिया यहां पर कंसिडर कर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो मैंने इनफाइनाइट शीट का एक पोर्शन लिया ए, तो कुछ डिस्टेंस दूर मेरे को यहां पर ई निकालना है, तो गॉसियन सरफेस,
आर डिस्टेंस दूर गॉशियन सरफेस, गॉशियन सरफेस तो ये क्या बन गया, फिर से एक सर्कल, ऐसी आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर, गॉशियन सरफेस और फिर से एक सर्कल। जब अब इनमें ज्वाइन करूंगा हर हर एक पॉइंट को सर्कल के सर्कल से, तो क्या बनेगा, एक इमेजिनरी सिलेंडर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये सब इमेजिनरी सिलेंडर बनेगा, क्लियर है? यहां पर मुझे ई निकालना कहां है, यहां पे और यहां पे, बस ठीक है यहां तक? तो मैंने क्या किया, इस पूरे सिलेंडर के तीन रीजन ले लिए, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू कर्व्ड, रीजन नंबर थ्री ये रहा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, प्लस वन रख के देखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ई कहां जाएगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है यहां तक, टुवर्ड्स राइट जाएगा। यहां पे रख के देखें प्लस वन, तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई इस तरफ जाएगा, तो यहां पे ई इस तरफ आएगा, यहां पे ई इस तरफ आएगा, यहां का एरिया वेक्टर कहां आएगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ये रहा एन कैप, इसका यूनिट वेक्टर है, एन कैप का मतलब एरिया वेक्टर है, विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो डीएस वेक्टर लिख लिया वैसे मैंने, तो यहां पर ई राइट है, डीएस वेक्टर राइट है, यहां पर डीएस वेक्टर लेफ्ट है, ई वेक्टर लेफ्ट है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस वेक्टर बना लिया। यहां पे देखें प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर तो राइट है पर एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, यहां पर ई वेक्टर लेफ्ट है तो एरिया वेक्टर ऊपर है, यहां पर ई वेक्टर लेफ्ट है, एरिया वेक्टर इस तरफ है। तो जो कर्व्ड सरफेस है उसमें ई और डीएस में एंगल कितना नजर आ रहा है, 90, तो फ्लक्स क्या आएगा यहां पे, जीरो, क्योंकि ई डॉट डीएस होता है ई डीएस कॉस 90। गुड डाउट इसमें, ठीक? तो टोटल फ्लक्स इस पूरे क्लोज बॉडी का हम कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स ऐसे निकालेंगे, और हाँ इसमें शीट के ऊपर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एरिया, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है ओवर इट्स एरिया। तो हम एक काम करते हैं, रीजन नंबर वन जो लेफ्ट पे है तो उसमें स्मॉल फ्लक्स निकाल लें, ई डी एस दोनों एक तरफ है और एंगल बिटवीन देम इज जीरो। जो कर्व्ड सरफेस है पूरे का पूरा उसमें ई और डी एस में एंगल हमेशा कितना, 90, और जो राइट वाला सर्कल है उसमें ई भी राइट है, डीएस भी राइट है, तो ई डी एस कॉस जीरो। तो तीन रीजन का स्मॉल फ्लक्स आ गया, ये तो उड़ी गया है तो जीरो हो जाएगा बिल्कुल ही। तो इसके लिए जब इंटीग्रेट करेंगे और टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस लेफ्ट सर्कल के लिए, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस राइट सर्कल के लिए, और हमने शीट का जो सर्कुलर एरिया क्या कंसिडर किया, कैपिटल ए, तो लेफ्ट और राइट के सर्कल का एरिया भी एग्जैक्टली कैपिटल ए, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल ए, इसे इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल ए, तो कुल मिला के टोटल फ्लक्स पूरे सिलेंडर का क्या आ गया, 2 इंटू ई इंटू ए। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, 2 ई ए, ठीक? अब गॉस क्या कहता है, कैसा करने की जरूरत क्या थी बताओ, क्लोज बॉडी कहां है इमेजिनरी, आपने कहा क्लोज बॉडी इमेजिनरी क्या बनी, सिलेंडर। तो उसने पूछा कि अगर सिलेंडर बनी तो बताओ चार्ज कितना है इसके इनसाइड, तो क्लोज्ड बॉडी के अंदर ये तो हवा में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ शीट पे है, और कितने एरिया के ऊपर है, ए एरिया के ऊपर है, तो क्यू इनसाइड की जगह मैं क्या पुट करूंगा, सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। ये फ्लक्स और ये फ्लक्स को इक्वेट कर दो, एरिया एरिया कैंसल, इसके एरिया इंडिपेंडेंट है ई, और E का बहुत ही सही फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। आप शीट के पास कोई पॉइंट लो, दूर कोई पॉइंट लो, बहुत दूर कोई पॉइंट लो, E की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R। फॉर्मूला याद करना है शीट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रूव करने को बहुत आता है, ठीक है यहां तक? मैं पक्का दूंगा टेस्ट में कराना, बोलो। थिन शीट है ना, अंदर मोटाई नहीं है, सरफेस के ऊपर ही है, शीट का कोई क्वेश्चन आएगा तो सिग्मा के साथ ही करना है सर। शीट, डिस्क, ये एरिया वाइज होती हैं, रॉड लेंथ वाइज होती है, सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम वाइज होता है, शेल एरिया वाइज होता है, स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, चेंज नहीं करके आता, ठीक है यहां तक? सो अब एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में कभी यूज होता देखा नहीं, पर मैं बुक्स में गिवन है तो मैं भी लिख देता हूं कि अगर शीट थिक होती तो, अगर थिक है तो उसके सरफेस के ऊपर अब चार्ज है लेफ्ट और राइट, अब वो एक शीट नहीं, अब वो दो शीट्स की तरह काम कर रही है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो अब मुझे अगर यहाँ पे ई निकालना है, तो जहाँ ई निकालना है प्लस वन, तो पहली शीट इसे रिपेल करेगी, पिछली शीट भी इसे रिपेल करेगी, तो दोनों के दोनों ई ऐड हो जाएंगे,
एक थिन शीट का रिजल्ट ये होता है, दूसरी थिन शीट का ये होता है, और क्योंकि यहां पर दो शीट्स की तरह थिक शीट, दो शीट्स की तरह काम कर रही है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कम यूज होता है, थिक शीट थिन शीट के साथ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन के साथ क्वेश्चन आते हैं, बट इन केस अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो थिक शीट कॉम्बिनेशन ऑफ टू शीट्स ली जाती है, ठीक है यहां तक। और कंडक्टिंग कंडक्टर बनाते हैं, फिर वॉल्यूम वाइज रो लेना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है ना, नहीं तो सिग्मा से काम चलेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रूफ करने को आता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आता है ये अगर शीट का क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, ये आता है। वो कहेगा कि मान लो आपके पास दो पैरेलल शीट्स हैं, ठीक, एनसीईआरटी में प्रूफ करने को आएगा, पैरेलल शीट्स हैं और दोनों पे चार्ज सेम है, और कभी कभी तो वो चार्ज डिफरेंट भी कर देता है और साइज भी डिफरेंट कर देता है। कहने का मतलब एक का सिग्मा 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 वन ले लेगा, एक का सिग्मा टू ले लेगा। मैंने इजी बनाने के लिए सेम ले लिया, दोनों का एरिया भी सेम है शीट का और चार्ज भी सेम है, तो चार्ज बाय एरिया की रेशियो सेम है, दैट इज सिग्मा एंड सिग्मा, क्लियर है। तो कहेगा कि बताओ तीन रीजन है इसके, रीजन नंबर 1, 2 एंड 3, ई निकाल के दिखाओ, थिन शीट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे यहां पे ई निकालना है तो प्लस वन, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर इस तरफ, ये प्लस भी प्लस वन को रिपेल करेगा तो ई वेक्टर इस तरफ, दोनों ई लेफ्ट की तरफ है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, थिन शीट का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करोगे तो आंसर। फिर वो कहेगा रीजन नंबर 2 में निकाल के दिखाओ, तो प्लस वन रखो, प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल, प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल, टू वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दो वेक्टर आपस में ऐड होने की बजाय सब्ट्रैक्ट होंगे, कैंसिल करेंगे, तो दोनों का ई का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है और वेक्टर ऑपोजिट है, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। फिर थर्ड केस वही सेम, तीसरे रीजन में प्लस वन रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो दो ई सेम डायरेक्शन में है, नेट ई की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर। ये प्रूफ करने को आ सकता है तीन नंबर के अंदर, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, अगर वो नहीं आएगा तो ये केस आ जाएगा स्पेशल केस। वो कहेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, एक नेगेटिव चार्ज शीट है, तो साइज सेम है, तो एक का सिग्मा सिग्मा, एक का सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, एरिया सेम है, डेंसिटी सेम है, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। फिर तीन रीजन है, यहाँ पे ई निकाल के दिखाओ, अब यहाँ प्लस वन रखो, ये प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल, मैग्नीट्यूड क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट है, माइनस वाली शीट यहां पर प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो वेक्टर इस तरफ, मैग्नीट्यूड बोलो क्योंकि माइनस साइन से डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है वेक्टर की, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट ई यहां पर क्या आएगा जीरो। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव शीट है, डेंसिटी सेम है, तो यहां पर ई जीरो आता है। उसी तरीके से यहां पर भी ई जीरो आएगा, प्लस वन रखो, माइनस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, प्लस प्लस को क्या करेगा रिपेल, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे विल कैंसिल ईच अदर, आंसर जीरो। यहां पर रीजन ले लो प्लस वन, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस की वजह से रिपल्शन की वजह से ये फॉर्मूला, माइनस की वजह से ये फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड मॉड लगा लो प्लीज दोनों का, और आंसर करोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज के बाद सीधा शॉर्टकट, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस रीजन और इस रीजन में आंसर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बीच में क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज अ कांस्टेंट, और कहां काम आएगा, ये काम आएगा यूज्ड इन अ चैप्टर कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर बनता है दो पैरेलल प्लेट से, और पैरेलल प्लेट में ई का फॉर्मूला स्टैंडर्ड यहीं से उठाएंगे, याद रखना है, तो लिख दिया, प्लीज रिमेंबर दी फॉर्मूला, कोई डाउट इसमें।